इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्हाई डू एटम्स कंबाइन। ठीक है, हमें पता है कि हमने पीछे पढ़ा लास्ट टॉपिक के अंदर कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल कैसे क्रिएट होता है, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन करते हैं कि एक मॉलिक्यूल है क्या, एक ग्रुप ऑफ एटम्स। अगर एक एटम्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर उसमें नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल बन रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि एटम्स कंबाइन कर क्यों रहे हैं, ठीक है, उनको क्या ज़रूरत पड़ रही है एक दूसरे से कंबाइन होने की। इसके दो रीजंस हैं, टू रीजंस फॉर दी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। हमारे पास दो रीज़न आते हैं कि एटम्स कंबाइन क्यों हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला रीज़न है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहला रीज़न क्या आएगा, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो, हर एक एलिमेंट चाहता है, हमें पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबल गैसेस जो हैं वो क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर। ठीक है, नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि उनके अंदर ऑक्टेट जो है वो क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इनके अंदर इसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो है। ठीक है, नोबल गैसेस तभी सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाली मानी जाती हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, अब है क्या कि हर एक एलिमेंट क्या चाहता है कि उनके अंदर भी ऑक्टेट कंप्लीट हो, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने से उनकी कॉन्फ़िगरेशन किसके तरह हो जाएगी, सेम एज अ नोबल गैस। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे सोडियम है, सोडियम 11 नंबर है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 281 आ रही है, तो सोडियम क्या करेगा, अपने में से बड़ी जल्दी एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और क्या बन जाएगा, सोडियम आयन। ठीक है, जिससे सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब सोडियम के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन थे 281, अब बचे 28, ये क्या चीज़ हो गई, ये स्टेबल हो गया। क्यों स्टेबल हुआ ये, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ए पॉजिटिव आयन बिकम्स सिमिलर टू द नियोन। ठीक है, ये क्यों, अब हम कह रहे हैं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो ये ऐसे हो गया, दो क्यों नहीं की, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से इसकी कॉन्फ़िगरेशन नियोन की कॉन्फ़िगरेशन से मैच हो रही है। ठीक है, और हमें पता है कि नियोन क्या है, एक नोबल गैस। ठीक है, इसलिए इसने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने आप को बिल्कुल सेम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर लिया। ठीक है, मीन्स इससे ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसलिए कहते हैं कि हर एक एलिमेंट एक दूसरे से क्यों कंबाइन करेगा, क्योंकि वो अपने क्या करना चाहेगा, वो अपने अंदर नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहेगा। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए ये कारण हो रहा है। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या आएगा, दूसरे रीज़न में ये बताएंगे कि पहले तो हो गया टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा आएगा एनर्जी स्टेबिलिटी। एनर्जी स्टेबिलिटी में क्या आएगा, एनर्जी स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, देखो हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट में हाई एनर्जी अगर किसी चीज़ की हो, हाई एनर्जी हमेशा क्या है, किसी चीज़ को अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है तो हो सकता है कि वो क्या एलिमेंट हो, अनस्टेबल। ठीक है, जितनी एनर्जी लोअर होगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये एक बड़ा बेसिक सा रूल है कि जितनी किसी एलिमेंट की एनर्जी कम होती है उतना वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब है क्या, मान लो कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, ये कोई एटम एक है A1, ये कोई एटम दूसरा A2, अब क्या हुआ,
मान लो मैं आपको कह देता हूँ कि ए वन एटम ए टू एटम के साथ हो गया कंबाइन, जब ये ए वन एटम दूसरे ए टू एटम के साथ कंबाइन हुआ, किसके थ्रू कंबाइन हुआ, थ्रू केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, इसने केमिकल बॉन्ड क्रिएट की और दो एटम्स एक दूसरे के कंबाइन होकर ये चीज़ क्या बन गई, हमारी एक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ए वन एटम ए टू एटम से कंबाइन हो रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है कि ये बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। तो जब भी कहीं जगह पर कोई बॉन्ड क्रिएट होती है तो उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज़, ठीक है। बॉन्ड क्रिएट करने पर एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर कोई बॉन्ड क्रिएट हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पर एनर्जी बाहर निकलेगी। एनर्जी रिलीज़ होने पर क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी जितनी भी थी पहले, ठीक है, टोटल इतनी, इन दोनों की प्लस करके जितनी भी एनर्जी थी इस मॉलिक्यूल की, अब क्या होगा कि जब ये एनर्जी बॉन्ड क्रिएट करेगा ये एनर्जी लूज़ कर देगा, जिससे इस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा लो। तो लो होने पर हमें पता है कि लो होने पर एटम्स की स्टेबिलिटी, एटम्स या मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी क्या होगी, ये इनक्रीज़ होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी ज़्यादा ये बॉन्ड क्रिएट करेगा उतनी ज़्यादा ये इस एनर्जी रिलीज़ करेगा और उतनी ज़्यादा ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी लेके आएगा, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी स्टेबिलिटी जो है वो इनक्रीज़ हो रही है बाय क्रिएटिंग बॉन्ड, ठीक है। मीन्स एटम्स के कंबाइन होने पर ये क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एटम्स एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं। अगर एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो इसका मतलब कि वो स्टेबल हो रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि एटम्स को कंबाइन क्यों किया जाए या वो क्यों कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, ये दो रीज़न हमने एक्सप्लेन करने हैं।